नमस्कार, एनबीटी रसोई में आप सबका स्वागत है। होली आ रही है, मतलब कि घर में होली पार्टीज का भी टाइम है, तो इसीलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक बहुत ही आसान और टेस्टी स्नैक की रेसिपी, जिसका नाम है दही के शोले। चलिए इसे शुरू करते हैं। क्योंकि दही के शोले हम बना रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दही हम अच्छी क्वालिटी का लें। इसीलिए इस रेसिपी के लिए हमने चुना है ज्ञान दही। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 6 से 8 घंटे बंधा हुआ दही, जिसे हम हंकर्ड कहते हैं, घिसा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्रीम चीज जो कि ऑप्शनल है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, मैदे का गाढ़ा घोल, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, सफ़ेद ब्रेड। दही के शोले बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है हंकर्ड, जिसके लिए हमें दही को एक पतली छन्नी या फिर मलमल के कपड़े में डालकर छोड़ना होगा, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। जितनी देर हम दही को छोड़ेंगे, उसका पानी उतना ज़्यादा निकलेगा और आपका हंकर्ड अच्छे से बनेगा। हमने अभी के लिए हंकर्ड तैयार करके भी रखा है। चलिए अब दही के शोले बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घिसी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 चम्मच क्रीम चीज जो कि ऑप्शनल है, सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, तो इस प्रकार करें कि कोई भी चीज़ गांठे ना बना दे। हमें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी की फिलिंग चाहिए। चलिए इन्हें बनाते हैं। एक चॉपिंग बोर्ड पर पहले मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को एक बेलन की सहायता से फ्लैटन किया है, ताकि मैं इसे आसानी से फोल्ड कर पाऊँ। इसके बाद दही के शोलों को शेप देने के लिए मुझे एक सेलोफिन शीट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इस पर ब्रेड के स्लाइसेस रखे हैं और इन पर थोड़ा सा पानी छिड़का है। अब क्योंकि मैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, तो इनको चिपकाने के लिए मैंने मैदे का एक गाढ़ा घोल लिया है और इनको उसकी सहायता से एक दूसरे के साथ चिपकाया है, देखिए इस तरह। अब इसमें मैं अपनी तैयार की हुई फिलिंग को रखूंगी। अब आप देखिए, मैंने आगे वाले ब्रेड के स्लाइस पर अपनी फिलिंग को डायगोनली रखा है, और अब देखिए मैं किस प्रकार से इसको दही के शोले का शेप देती हूँ। सबसे आगे वाले ब्रेड के स्लाइस को हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसके पीछे वाले स्लाइस को फोल्ड करेंगे, लेकिन इसके लिए हम अपनी सेलोफेन शीट के साथ इसको अपनी तरफ खींचेंगे और एक रोल का शेप देते हुए जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह। जब ये एक प्रॉपर रोल बन जाएगा, तो अब हम अपने दोनों हाथों से इसके सिरों को पकड़ेंगे और प्रेशर देंगे। इस तरह से इसको मैं जब निरंतर घुमाती रहूंगी, तो एक टॉफी के प्रकार का शेप देने की मैं इसको कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, मैं अपना सेलोफेन शीट आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है। अब इस तरह से अब अपने सारे दही के शोले हम बनाएंगे। अब हमारे सारे दही के शोले तैयार हैं, अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम दही के शोले तेल में डालेंगे, तो वो तुरंत जल जाएंगे। तो तेल का टेम्परेचर हमें बहुत ध्यान से मीडियम आंच पर रखना है। बहुत आराम से, प्यार से इसको हमने धीरे धीरे चलाना है, और इनको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रंग नहीं देना है। ब्राउन कलर तक आने तक हमें इन्हें पकाना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दही गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ज्ञान दही से आप और कई सारे स्नैक्स बना सकते हैं, जैसे कि हंकर्ड डिप, दही के कबाब, सैलेड्स और बहुत कुछ। लेकिन ध्यान रहे, शुद्ध दूध से बना ही जैसे कि ज्ञान दही आप इस्तेमाल करें,
क्योंकि उससे दही की क्वालिटी अच्छी होती है और जाहिर है डिश का स्वाद भी और बेहतर होता है। देखिए अब दही के शोले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। और आइए देखें अब इसकी प्लेटिंग किस प्रकार से करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए मैंने कुछ पीसेस को डायगनली काट लिया है और अब इसे हम पुदीने की चटनी और चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ये ज्ञान दही से बने ये दही के शोले आपकी होली पार्टी में सबको ज़रूर पसंद आएंगे।